अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुरहान टीवी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैजुअल ड्रेसेस हैं, विंटर डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। थ्री पीस पे भी मिलेगा, नीचे शर्ट होगी, साथ उसके रफ जीन्स और ऊपर आप पशम की फुल बाजू में जर्सी देख सकते हैं, स्वेटर देख सकते हैं या जैकेट देख सकते हैं। आपको डिफरेंट डिज़ाइनिंग इसलिए मिलेंगी कि आप विंटर स्टफ में आप टाइट्स भी यूज़ कर सकती हैं, जीन्स भी यूज़ कर सकती हैं और आप कैजुअल ड्रेस के साथ साथ आप अपर भी यूज़ कर सकती हैं, जो अपर जो बटन वाला ना हो या जिप वाला ना हो, या फिर आप ज़रा हेल्दी किस्म की शर्ट भी यूज़ कर सकती हैं जो अच्छी फ्लीस नमा में होती है। अच्छी फ्लीस नमा में शर्ट भी यूज़ कर सकती हैं, आप जैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, साथ नैरो पैंट या स्वेटर या जर्सी लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं कैजुअल पहनने के लिए। कैजुअल घर में पहनने के लिए, आउटिंग जाने के लिए या फिर पार्क वगैरह में जाने के लिए आप इस तरह की डिज़ाइनिंग शर्ट के साथ आप जैकेट एंड फ्लीस नमा शर्ट या साथ जैकेट हो जाए, डार्क ब्लू कलर, लाइट ब्लू, रफ ब्लू, ब्लैक, रफ ब्लैक, ग्रे, डिफरेंट कलर की आपको जैकेट मिल जाएंगी, डिफरेंट कलर की आपको कम्बिनेशन मिल जाएगा। हाई नेक स्टाइल की जर्सी मिल जाएगी, हाई नेक स्टाइल की जर्सी नहीं लें तो आपको लॉन्ग जर्सी मिल जाएगी जो ओपन होती है, जो बटन के साथ ओपन होती है, उस तरह की डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी। आप नैरो जीन्स यूज़ कर सकते हैं, नैरो टाइट्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर आपको ब्लैक कलर की जीन्स ज़्यादा अच्छी लगेगी कैजुअल पहनने के लिए। कैजुअल पहनने के लिए ज़्यादातर ब्लैक या डार्क ब्लू, लाइट ब्लू नहीं, रफ ब्लू नहीं, डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वाइट कलर की शर्ट एंड मरून कलर की या स्किन कलर की आपको ऊपर जर्सी अच्छी लगेगी। जो भी डिज़ाइन, जो भी कलर कलेक्शन आप रफ में यूज़ करना चाहते हैं वो आपको देख लें, आप पसंद कर लें, आपको अच्छी लगेंगी। जीन्स के डिज़ाइन, टाइट्स के डिज़ाइन, टाइट की फिटिंग एट्सेट्रा, सारे डिज़ाइन कलर कम्बिनेशन आप चेक कर लें, आपको अच्छे लगेंगे। जर्सी के डिज़ाइंस और जर्सी के कलेक्शन बहुत ही अच्छी हैं, बहुत कमाल की हैं। रफ भी देख सकती हैं आप जीन्स, कटवर्क में भी जीन्स है, जो डिज़ाइन पसंद आ रहा है वो आप इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखें और हमें इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह ताला।